उज्जैन के घटिया में भाजपा ने देश का गद्दार व चीन का दलाल कमलनाथ के नारे लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के निर्देश अनुसार आज घटिया तहसील मुख्यालय पर ग्रामीण जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। साथ ही भाजपा नेता व कार्यकर्ता नारे लगाते नजर आए। बहादुर सिंह बोरमुंडला ने बताया कि अटल सरकार में भारत का आयात शुल्क 30% से 40% था, लेकिन केंद्र में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब कमलनाथ उद्योग मंत्री रहे और इन्होंने आयात शुल्क 10% कर दिया, जिसका सीधा सीधा लाभ चीन को दिया, जिससे भारत के खजाने पर भी असर हुआ और स्वदेशी रोजगार बंद हो गए। इसी को लेकर आज प्रदेश में सभी जगह भाजपा के लोग कमलनाथ का पुतला दहन कर विरोध करते नजर आए। मनमोहन सिंह जी की इस देश में यूपीए की सरकार थी, उस समय इस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उस सरकार में उद्योग मंत्री थे और उन्होंने उद्योग मंत्री रहते हुए भारत सरकार के जो आयात शुल्क था, चीन से जो माल जो वस्तुएं आयात होती थी उस आयात शुल्क में भारी कटौती की थी उन्होंने। 30% से 40% जो आयात शुल्क अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में लगता था वो उन्होंने 10% कर दिया और चीन को 250 से 300 वस्तुएं इस देश में बेचने के लिए चीन का रास्ता उन्होंने साफ किया। और निश्चित रूप से आयात शुल्क घटाने से चीन ने पूरे व्यापार के ऊपर, पूरे बिजनेस के ऊपर, यहाँ तक कि गांव में छोटे छोटे उद्योग होते हैं, चाहे छोटे छोटे कारखाने होते हैं, चाहे कपड़े बनाने के हो, चाहे लकड़ी बनाने के हो, चाहे मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने हो, इन सब पर अगर कुठाराघात किया निश्चित रूप से सारे धंधे गरीबों के जो अपने हाथों से जो चीज़ें बनाते थे वो सब चौपट कर दिए और चीन को लाभ पहुँचाने का काम किया। निश्चित रूप से ये कमलनाथ जी ने मनमोहन सिंह जी की सरकार में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए, चूँकि उनका चीन के प्रति काफ़ी लगाव रहा है, उनको खुश करने के लिए ये इतना बड़ा निर्णय लिया, जिससे निश्चित रूप से देश के खजाने पे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और साथ ही साथ इस चीन को सभी वस्तुएं पूरे देश में बेचने के लिए निश्चित रूप से एक जगह मिली और आज भारत में सारे उत्पाद जो होते थे, भारत में सभी जो वस्तुएं बनती थी वो धीरे धीरे सारे निर्माण बंद हो गए, सारे कारखाने कल पुर्जे छोटे छोटे गाँव में कारखाने थे वो सब बंद हो गए, कारीगरों ने काम करना बंद कर दिया और कम दामों पे सारी चीनी वस्तुएं आ गई और लोग चीनी वस्तुओं के आदि हो गए। निश्चित रूप से इस देश में निश्चित रूप से एक जहर फैलाने का काम, देश के वासियों को जहर देने का काम अगर किसी ने किया तो कमलनाथ जी ने किया। निश्चित रूप से ऐसे देशद्रोही व्यक्ति को प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने यह तय किया है, हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और सुहास भगत जी ने तय किया कि आज 28 तारीख को 12 बजे पूरे मध्य प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय पे तत्कालीन उद्योग मंत्री कमलनाथ जी का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराएं। आगे चल करके निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी और निश्चित रूप से देश के साथ उन्होंने जो गद्दारी की है इसका जवाब जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी अपना इसका विरोध दर्ज कराएगी।